नमस्ते माय फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रिंसेस कट वी नेक बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो चलिए शुरू करती है। ये मेन फैब्रिक और ये अस्तर का फैब्रिक। अस्तर के फैब्रिक से ही कटिंग करेंगे। ये खुला साइड है, खुला साइड से कटिंग करेंगे क्योंकि पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। नीचे से सीधा लाइन खींच के सीधा कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे हुक आई के लिए। इस हाफ इंच को छोड़ते हुए मार्किंग करेंगे। तो ये 30 साइज ब्लाउज है तो लंबाई जितनी है उसके साथ 1 इंच ऐड करेंगे। तो लंबाई है 13, 1 इंच ऐड करके 14 पे मार्क किया है। डीप नेक है इसलिए 4 इंच लेंगे शोल्डर और आर्म होल लेंगे 5 इंच। अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट के हिसाब से अपर चेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच ऐड करेंगे। अब अपर चेस्ट का 1/4 आता है 30 का 7.5 इंच, उसके साथ 2 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। और वेस्ट का मेज़रमेंट, कमर का मेज़रमेंट भी जितना है उसका 1/4 करके उसके साथ 3 इंच ऐड करेंगे। 1 इंच टास्क का जाएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसको सीधा खींच देंगे, एक्स्ट्रा जो 2 इंच है उसको भी सीधा खींच लेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की मार्क कर लेते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से हाफ इंच छोड़ेंगे, शोल्डर की जो सिलाई होगी उसको छोड़ते हुए नापेंगे। तो आर्म होल है 16.5 इंच, तो 8 इंच आया है। और ये बैकलेस ब्लाउज बनेगा तो नीचे से हम लोग 1.5 इंच रखेंगे जो सिलाई करके हाफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के हाफ इंच रहेगा और इसको वी शेप दे देंगे थोड़ा कर्व करते हुए। और नेक्स्ट साइड से थोड़ा ऊपर थोड़ा डाउन कर दिया ताकि शोल्डर ना गिरे। बैक पार्ट हो गया। फ्रंट पार्ट की कटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अब बंद साइज से कटिंग करना शुरू कटिंग करेंगे। तो हाफ इंच जो सिलाई मार्जिन के लिए हुक पट्टी के लिए था उसको फोल्ड करते हुए उसको पूरा शोल्डर और आर्म होल की मार्क कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की तरफ जो प्रिंसेस का शेप होगा उसके साथ, और नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर से 1 इंच, नीचे से 1.5 इंच, दोनों पॉइंट को मिला लिया है। और नीचे से लेंगे ऐसे तो 1 इंच लेते हैं, यहाँ पे बेल्ट बनेगा तो वहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा 1 इंच, हाफ हाफ इंच, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे से। तो यहाँ भी एक 2 इंच पे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। ये 2 इंच पे है बेल्ट, 2 इंच का बनेगा और उसके ऊपर हाफ इंच पे मार्क करके उसी के हिसाब से फ्रंट पार्ट पे भी मार्क कर लेंगे। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब बस्ट पॉइंट लेंगे या एपेक्स पॉइंट जो भी बोलिए, 9 है तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और पॉइंट करेंगे 3.2 इंच पे, क्योंकि फुल बस्ट है 32, उसका 10वां भाग 3.2 आता है, उसी के हिसाब से मार्क करेंगे और उसको सीधा नीचे खींच लेंगे। और टास्क का पॉइंट लगाएंगे, पीछे का 1 इंच टास्क के लिए लिया था और फ्रंट में लिया था 1.5 इंच, यानी 2.5 इंच को इस तरफ लिया है 1 इंच और दूसरी तरफ लिया है 1.5 इंच। अब इस लाइन को सीधा खींच लेंगे
और इधर से 3 इंच ऊपर सीधा खींचेंगे और इस लाइन को प्रिंसेस के तरह मिला देंगे। अब नीचे से 3 इंच पे मार्क कर लिया है सीधा लाइन, ये बेल्ट के लिए है। तो इस तरफ से वी शेप देंगे तो इसको नीचे के कोने से मिला देंगे और यहाँ पे 2.5 इंच जो टास्क गया है इस तरफ से 2.5 इंच माइनस कर देंगे थोड़ा सा तिरछा करते हुए बेल्ट का मार्क कर लेंगे। और इधर से जितना आया है यहाँ से भी उतने ठीक उसी जो पॉइंट पे मार्क कर लेंगे और दोनों पॉइंट को मिला देंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देंगे, छोड़ते हुए नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे थोड़ा कर्व करते हुए। फ्रंट आर्म होल की 1/4 इंच मार्क करेंगे प्रिंसेस का भी शेप देना बाकी है, प्रिंसेस का भी अभी शेप दे देंगे, ये पहले ही करना चाहिए था। यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि कप बिठाने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए बेल्ट एकदम परफेक्ट आया है। अब आर्म होल स्लीव्स की कटिंग करेंगे, 7.5 इंच आया है तो 1 इंच ऐड करके 8.5 इंच का कपड़ा लेंगे। देखिए 8.5 इंच है, यहाँ पे कोई जॉइन नहीं आएगा कपड़े पे और लंबाई है स्लीव्स की 9.5 तो 10.5 इंच लेंगे। यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको शेप दे देंगे आर्म होल का। नीचे से 9.25 तो उसका 1/4 लेंगे, सॉरी 1/2 लेंगे और सिलाई मार्जिन का 2 इंच ऐड कर लिया है। तो फ्रंट आर्म होल का भी कटिंग कर लेंगे और मार्क कर लेंगे ताकि गलती ना हो जाए। ये हो गया हमारे पूरे कटिंग कंप्लीट। अभी स्टिचिंग करेंगे तो पहले अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अगर मेरा कटिंग और स्टिचिंग पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। मैं हमेशा चाहती हूँ कि सभी को इजी प्रोसेस मिले ताकि स्टिचिंग जल्दी कर पाए। बेल्ट को भी अब इसको सीधा कर लेंगे और आयरन कर लेंगे ताकि बेल्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। अगर आप लोगों का कपड़ा ज़्यादा पतला हो तो फ्रीजिंग पेपर भी लगा सकते हो तो बेल्ट अच्छी तरह से बैठेगा और नहीं तो पाइपिंग कर सकते हो।
बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे क्योंकि लेस अटैच करेंगे इसलिए पाइपिंग नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। टक्स भी लगा लेंगे। अब लेस अटैच करेंगे। स्लीव्स भी तैयार कर लेते हैं। क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज बनेगा इसलिए दो दो अस्तर लिया, एक अस्तर कपड़े के साथ अटैच कर लिया और ये कप बिठाने के लिए दूसरा पीस भी तैयार कर लेते हैं। इसको भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने से एकदम परफेक्ट बनता है, कपड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं बस रहता। अब इसको अस्तर को सीधे तरफ से बिठा के वो पलट लेंगे। यहाँ पे जो नेकलाइन पे जो हाफ इंच रखा था इसीलिए ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। मैंने यहाँ पे लेस अटैच किया है। आप लोगों का साड़ी में अगर बॉर्डर है तो वो भी अटैच कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। देखिए लुक्स कितना अच्छा आ रहा है। कप को थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही फ्रंट नेक बहुत ही डीप है। बैक पार्ट में भी लेस अटैच कर लेते हैं। स्केल से सीधा कर लेंगे और इसको कटिंग कर देंगे ताकि कप एकदम परफेक्ट बैठे।
साइड अगर एकदम परफेक्ट नहीं बैठेगा तो ब्लाउज का लुक्स खराब होगा। अब जो बाकी पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे भी स्लीव्स का बचा हुआ जो पार्ट है, बॉर्डर है, उसको लगा लेंगे। डीप जितना है उसको छोड़ते हुए, और किसी को अगर इतना डीप पहनना तो वो भी पहन सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। आप लोग चाहो तो बेल्ट में भी लेस लगा सकते हो। बैक पार्ट को बैक पार्ट के हिसाब से ही नाप कर ही बेल्ट को लगाना है, नहीं तो क्योंकि हम लोग बेल्ट के स्टिच कर लिया नीचे से कोई फोल्ड नहीं होगा। फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप बैक पार्ट अटैच करेंगे और स्लीव्स जॉइन करेंगे। हुक पट्टी के लिए यहाँ पे एक हुक भी लगा सकते हो, लेकिन अगर बिना पट्टी के हुक लगाएंगे तो खुल भी सकता है, इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच 1/4 इंच का एक अब स्लीव्स अटैच करेंगे। सीधा साइज से एक स्टिच करेंगे, फिर फाइनल सिलाई देंगे ताकि सिलाई शरीर में ना चुभे। अब इसको फाइनल लुक्स फाइनल स्टिच लगाएंगे। दो इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1/2 इंच
क्लोजिंग रहेगा हमारे ब्लाउज कंप्लीट हो चुका। और ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक्स। टेक केयर, बाय बाय।